हेलो दोस्तों क्या हो जब न्यूमेरिकल एनालिसिस का नाम सुनते ही एक 90 परसेंट स्कोर वाली छवि आपके माइंड में आ जाती है क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग पेपर है थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर हम इन चैप्टर्स के अलावा और भी कम चैप्टर करें और नाइन्टी परसेंट प्लस मार्क्स गेन करें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि 90 परसेंट मार्क्स के लिए या प्लस आप लगा सकते हो 90 परसेंट प्लस मार्क्स के लिए आपको कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं मतलब पूरे बुक में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो अगर हम ना भी करें तो भी हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस हमने लिखा है यूनिट वाइज सिलेबस यहाँ पे है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस जी जी यू थर्ड सेमेस्टर में भी अप्लाई होता है लेकिन आपको ये सिलेबस डिफरेंट दिखेगा बिकॉज आपके जो लास्ट यूनिट है वो अलग है तो आपके लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी जी जी यूनिवर्सिटी के बच्चों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा दिनों से आ रहे हैं क्योंकि अभी जो हम सिलेबस देख रहे थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड अभी फाइनल ईयर का चल रहा है इसके बाद हम जी जे यू के एनालाइज़ करेंगे बिकॉज उनके जो एग्ज़ाम हैं जस्ट आफ्टर दिवाली आप बोल सकते हो मतलब नवंबर के लास्ट में स्टार्ट हो रही है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए रिविज़न के टाइम भी ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस बुक से वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिए जाएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चनस हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन ये सब आप एप्लीकेशन के कम्बाइंड कोर्स में जाए या फिर सेपरेट कोर्स में जा करके आप ये इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अनलॉक रहेंगे वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए हमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करने थे इसलिए हमने सोचा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस हम अनलॉक करते हैं यहाँ से स्टूडेंट इन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ले सकते हैं चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नाइन्टी परसेंट प्लस स्कोर के लिए आप कौन से मिनिमम से मिनिमम चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो तो देखिए मिनिमम चैप्टर स्किप करने के लिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का हम एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में तीन चैप्टर्स आपके पास है आंख बंद करके एक चैप्टर को छोड़ दो थर्ड चैप्टर को फर्स्ट और सेकेंड आप कर लीजिए फर्स्ट इसलिए करना है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए नमेरिकल एनालिसिस के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाए अगर आप सेकेंड और थर्ड करेंगे तो आपका ज़्यादा लॉस रहेगा तो फर्स्ट और सेकेंड आप करेंगे यूनिट फर्स्ट से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लॉन्ग भी बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा मटेरियल है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ऑल राइट यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करते हैं सेंट्रल डिफ्रेंशन सॉरी डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो फिफ्थ से भी बन सकता है फोर्थ से कम चांसेस हैं बिकॉज Uh, सिर्फ फॉर्मूला का जो इसके चार स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वही पूछ लिए जाएंगे अदरवाइज नमेरिकल क्वेश्चन करने वाला इसमें कुछ नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप फोर्थ चैप्टर करेंगे दिस इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड फिफ्थ चैप्टर के आप स्टार्टिंग के ट्वेंटी पेजेस कर लीजिए इसके साथ आपको क्या करना है ट्वेंटी पेजेस कर लेने हैं बिकॉज हमें कोई रिस्क नहीं लेना है आपको लगता है कि फोर्थ चैप्टर में बहुत कम कंटेंट है और फिफ्थ में बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से क्वेश्चन में भी ना बने तो उस केस में आप शुरू के ट्वेंटी पेजेस स्टार्टिंग के ट्वेंटी पेजेस अगर कर लेते हैं तो इसके साथ कंबाइंड होकर के अगर एग्जामिनर बनाता भी है तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा ठीक है तो वैसे तो फोर्थ चैप्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन ही बन जाता है राइट right. बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स तो यहाँ से आप सिक्स चैप्टर को छोड़ दो सेवन चैप्टर के लिए आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में अच्छे अच्छे मेथड्स हैं और इन मेथड्स के बेस पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है यूनिट नंबर फोर्थ न्योमेरिकल इंटीग्रेशन न्योमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डे डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर को स्किप करोगे नाइन चैप्टर कर लीजिए और नाइन चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होगा समझ गए अब जो हमने चैप्टर स्किप किए हैं सिक्स चैप्टर हो गया एट चैप्टर हो गया यहाँ से हमने फिफ्थ चैप्टर आप बोल सकते हो सेवेंटी परसेंट या सिक्सटी परसेंट हमने इसको स्किप किया है और यहाँ से थर्ड चैप्टर क्या यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ट्वेंटी परसेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं ट्वेंटी परसेंट तो हंड्रेड ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि अगर टोटल छः क्वेश्चन आते हैं आपके तो मैक्सिमम दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं ठीक है थीके? तो ओनली शॉर्ट क्वेश्चन का ट्वेंटी परसेंट बताया कहीं हाँ पूरे क्वेश्चन uh, का ही लेकर चलो तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से कवर हो जाएंगे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बहुत ईजीली बन सकता है नाइन्थ चैप्टर से जो फॉर्मूलाज है एलर्स मैथड है रुँगा कुट्टा मैथड है तो वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन ले रुँगा कुट्टा का जो शॉर्ट uh, क्वेश्चन होता है डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ओके और इसके बाद यहाँ से फोर्थ चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम ही है केवल फॉर्मूलाज आप प्रिपेयर कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी सारा मटेरियल है जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको करने से मिनिमम से मिनिमम चैप्टर मैं बताऊँगी नाइन चैप्टर टोटल है यहाँ से दो या तीन चैप्टर आप कीजिए जिससे आप फोटी प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं जी हाँ ओनली टू और थ्री चैप्टर्स चलिए फर्स्ट चैप्टर आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कीजिए मोस्ट प्रोबलिटी होती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट कवर हो जाए ठीक है मैं सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो केवल और केवल पासिंग मार्क्स चाहते हैं जिनको लगता है कि हमें आगे मैथमेटिक्स में नहीं जाना है या फिर अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं है अब हम इतना लेंथी सिलेबस नहीं कर सकते हैं और जो स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं सिलेबस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लेकिन और वैसे टाइम देखा जाए तो वन मंथ अभी भी है लेकिन हेल्प नहीं मिल रही है तो आप न्यू आर मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट सिलेबस आप कर सकते हो दिवाली ऑफर चल रहा है थर्टी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट तो आप या तो सेपरेट कोर्स जो भी आपको चाहिए या फिर कंबाइंड कोर्स सभी पर थर्टी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट है वो आप एनरोल कर सकते हैं कंबाइंड कोर्सेज पर ट्वेंटी परसेंट ऑलरेडी हमने पूरे साल के लिए डिस्काउंट किया हुआ है उस पर थर्टी परसेंट और अभी दिवाली के टाइम हमने लॉन्च किया है तो इससे आपका 50 परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा जिससे कि आपका फाइनेंशली लॉस भी नहीं होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे तो आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट से भी डायरेक्ट आप कोर्सेज ले सकते हो डब्ल्यू mathscom आप ये पेज ओपन कीजिए और डायरेक्ट आप कोर्सेज वहां से अनरोल कर सकते हैं आप चलिए जी अब हमें देखना है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया है फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट यहाँ पर प्लस इसलिए लगा रही हूँ कि आपके फोर्टी परसेंट से ज्यादा भी आ सकते हैं इन थ्री चैप्टर्स से थ्री चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट चैप्टर हो गया फिर आप कीजिएगा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट फोर्थ चैप्टर करोगे फर्स्ट हो गया फोर्थ हो गया इसके बाद आपको करना है सेवेंथ चैप्टर बहुत इजी है कंपेरिजन टू नमेरिकल डिफ्रेंशिएशन या फिर नमेरिकल इंटीग्रेशन ओके ये आपका यूनिट फोर्थ में आ जाता है अगर आपने थ्री चैप्टर भी कर लिए फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ ओनली थ्री चैप्टर हर बुक में मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन ही चैप्टर बताए हैं इन चैप्टर्स में आप अपनी रीअपियर क्रैक कर सकते हो और आगे ना आए ये सुनिश्चित कर सकते हो ओके okay? तो इन चैप्टर्स को इतना अच्छे से करना है कि यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपका एक भी मार्क्स कटे अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो तो डेफिनेटली आपकी एक यूनिट यहां से कवर होगी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से ओके okay? और अगर एक नहीं भी होती है हाफ भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पासिंग मार्क्स यहाँ से गेन कर पाओगे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इसके बाद सेंट्रल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली कंप्लीट कवर होगा और रही बात फर्स्ट चैप्टर की यहाँ से शॉर्ट भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा ओके तो इस टाइप से आप फोर्टी परसेंट प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं रिविजन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इन बाकी चैप्टर्स में से कौन सा आप कर सकते हो तो नाइन्थ चैप्टर आप कर सकते हो फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप नाइन्थ चैप्टर कर सकते हैं तो कि चार चैप्टर मैंने आपको बताए हैं और आप सिक्सटी परसेंट मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो पास्ट ईयर सेवन ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन पेपर किए हैं सॉरी पास्ट ईयर सेवन ईयर्स ऐसा नहीं है कि तीन साल के कर लिए चार साल के कर लिए नहीं जी सेवन ईयर्स के कीजिए तो आपके अच्छे खासे नंबर भी आएंगे और आप पास तो डेफिनेटली हो ही जाओगे ठीक है प्लस कौन से ईयर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स जो करंट ईयर आपका गया है जैसे अभी हमारा लास्ट ईयर 2022 इसका क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा वेटेज मत दो इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाइए और उनको एनालाइज़ कीजिए उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए ठीक है बहुत बार देखा गया है कि इन्हीं क्वेश्चन को सेम टू सेम रिपीट कर दिया जाता है जो क्वेश्चन हमने कोर्सेज में डाले हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर हर एक हर साल स्टूडेंट्स के रिव्यू आते हैं कि मैम हमारे फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट और एक रीअपियर स्टूडेंट है जिसने मुझे बताया कि हमारे आठ क्वेश्चन सेम थे यहाँ से एट क्वेश्चंस ठीक है तो क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस के डाले हुए सिलेक्टेड नहीं डाल रखे हर एक यहाँ से आप देखोगे तो दो क्वेश्चन आएंगे दो क्वेश्चन के दो दो पार्ट होते हैं यानी कि टोटल चार क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर पूरी यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट के डाल दिए सेकेंड के डाल दिए नहीं जी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्दी ही और इस टाइप से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए मैं बार बार आपको कहती हूँ फिफ्थ सेमेस्टर में रीअपियर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इससे बचिए जितना बचा जा सकता है कोई भी स्टूडेंट चाहे वो पढ़ाई में नॉर्मल है जो इंटेलिजेंट होगा उसको तो कोई टेंशन होती नहीं है चार चार महीने से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं है ना तो फिफ्थ सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन पर अपने जो कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि अभी एनरोल कर रहे हैं हर मंथ जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं लेकिन ऐसे काफी स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर एंड होते ही स्टडी स्टार्ट कर देते हैं ना ही वो कॉलेज का वेट करते हैं ना ही वो आ, वेट करते हैं कि कब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगे या कब हमारा क्लासमेट पढ़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से ही शुरू करेगा और मैं आपको बताऊं जो स्टूडेंट एमएससी करना चाहता है फाइनल ईयर का जो सिलेबस आपके लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम एस मैथ जो एम एस मैथमेटिक्स का एंट्रेंस होता है या फिर आगे जाकर जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपका बेस का, का काम करेगा ये सेमेस्टर फिफ्थ एंड सेमेस्टर सिक्सथ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर